नमस्कार, स्वागत है आपका। देश का नंबर वन न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ पूर्णिमा है, अंकिता है, विवेक है और अंजलि है, और साथ ही मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है जिससे हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि युद्ध लगातार चलता जा रहा है और अब उसका रुख किस तरफ है, क्योंकि बाइडेन यूक्रेन के बिल्कुल नजदीक पहुंचे और वहां से जो उन्होंने संदेश दिया उसके बहुत सारे अर्थ और उसके मतलब निकाले जा रहे हैं, करेंगे उस पर चर्चा। लेकिन इस वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, तनाव की स्थिति पैदा हो गई है और दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ने के गंभीर संकेत मिलने लगे हैं। यूरोप के लिए उड़ा पेंटागन का डूम्सडे प्लेन। जी हां, न्यूक्लियर अटैक से निपटने में कारगर है ये प्लेन। बाइडेन के यूरोप दौरे के दौरान पहुंचा डूम्सडे प्लेन, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और क्या वाकई में पूरी दुनिया उस मुहाने तक पहुंच गई है जहां से परमाणु युद्ध के संकेत स्पष्ट और साफ हैं? क्योंकि बाइडेन अगर यूक्रेन की सीमा के करीब गए हैं और इधर डूम्सडे प्लेन रवाना हुआ है और साथ ही तमाम नेटो देश परमाणु युद्ध की तैयारियों में लग गए हैं, तो इसके क्या संकेत समझे जाएं? क्योंकि पुतिन लगातार कह रहे हैं कि अगर कोई भी देश यूक्रेन को बचाने आया तो उस पर हम सीधा सीधा हमला शुरू कर देंगे। हम इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या दुनिया उस सबसे भयानक कल्पना के वास्तविकता में बदलने के मुहाने पर पहुंचती जा रही है, और अगर ऐसा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी तय हो तब, जबकि ये बड़े देश हमेशा से छोटे देशों को, थर्ड वर्ल्ड देशों को कहते रहे हैं कि आप परमाणु हथियार मत रखिए, आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, आप रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है। तो क्या ये सारे व्यवहार रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने के संकेत हैं? सवाल बहुत बड़ा है। इसी पर इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ है। रिटायर्ड मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर हमारे साथ मौजूद है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट राजीव नयन सर हमारे साथ मौजूद है, रिटायर्ड एयर कॉमोडोर एसपी सिंह सर हमारे साथ मौजूद है एज अ डिफेंस एनालिस्ट, और इसके साथ ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर शारदेंदु सर हमारे साथ मौजूद है, साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डी के पांडे सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन इन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो बड़ी खबर हमने आपको बताई, यानी कि डूम्स डे डिटेल्स, आइए अब ग्राफिक के जरिए जल्दी से आपको बता देते हैं, विशेष डूम्सडे प्लेन की डिटेल्स को आपको समझा देते हैं। दरअसल बाइडेन के साथ यूरोप पहुंचा है अमेरिकी डूम्सडे प्लेन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये है क्या, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत हो चुकी है क्योंकि यूरोप पहुंचा है अमेरिकी डूम्सडे प्लेन। डूम्सडे का मतलब होता है कयामत का दिन, ये सब जानते हैं, ये नाम अपने आप में बड़े मायने रखता है। पुतिन की धमकियों की वजह से राष्ट्रपति के साथ डूम्सडे प्लेन की क्या मौजूदगी है? परमाणु विस्फोट का इस विमान पर कोई असर नहीं होता, ये इसकी बड़ी खासियत है। प्लेन की ऊंचाई 6 मंजिला इमारत जितनी होती है और प्लेन में 18 बेड, 6 बाथरूम, ब्रीफिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, ये सब कुछ मौजूद होता है। इस प्लेन में एक साथ 112 लोग यात्रा कर सकते हैं और इस प्लेन को फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है, यानी कि डूम्सडे और इसका दूसरा नाम फ्लाइंग पेंटागन। बिल्कुल, और इस बीच दुनिया इस बात को लेकर आशंकित है कि क्या अब वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। कयामत के 10 संकेत के बारे में आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। पहला जो बहुत बड़ा डर है कि शीर्ष पर पहुंचा है पुतिन और बाइडेन का तनाव, ये टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वर्ल्ड वॉर का खतरा महसूस किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि यूक्रेन में सेना भेजने के लिए बाइडेन अब पूरी तैयारी कर चुके हैं। तीसरी अहम बात, यूक्रेन को नो फ्लाई जोन पर भी फैसला संभव है, जिसको लेकर के ज़ेलेंस्की बार-बार मांग भी कर रहे हैं। चौथी बड़ी बात, यूरोप में पेंटागन का डूम्सडे प्लेन है जिसके बारे में अभी-अभी आपने जाना। नाटो देशों ने न्यूक्लियर वॉर की तैयारी भी पूरी कर ली है, इस बात की भी चर्चा लगातार हो रही है नाटो देशों के बीच। वहीं यूक्रेन में अब तक के हालात से बेहद गुस्से में है पुतिन, बार बार चेतावनी दे रहे हैं, परमाणु युद्ध तक की चेतावनी दे रहे हैं। रूस को फर्स्ट फेज के ऑपरेशन में बहुत बड़ा झटका लगा है। देखिए, 1 महीना हो गया है और यूक्रेन
पर कब्जा नहीं हो पाया रूस का। पुतिन 9 मई से पहले कुछ भी कर सकते हैं। अगली जो तारीख है रशियन आर्मी को वो मिली है 9 मई को कि 9 मई पर किसी भी तरीके से यूक्रेन पर कब्जा कर लेना है। चारों तरफ से घिरा है रूस और विनाशक फैसले लेने की भी संभावना बढ़ गई है। और 10वीं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रूस ने कहा था कि अगर रूस नहीं तो दुनिया भी नहीं, ये बहुत बड़ा बयान दिया गया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।